चल कैसे नीचे आ गया हूँ मैं, और ये एस्केलेटर है। ये नीचे जाओगे तो आपको यहाँ से कॉन्कोर्स एरिया, और उसके बाद में आपको नीचे लेवल पे प्लेटफॉर्म। नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल इंडिया ट्रैवल व्यू। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ हाईवे पे वकोला पुलिस चौकी बस स्टॉप के पास में, और आज डेट है 2 अगस्त 2024, और अभी टाइम है 5:15। चलिए चल के देखते हैं मेट्रो 3 का सांता क्रूज मेट्रो स्टेशन से अपडेट। चलिए दोस्तों, मेट्रो लाइन 3 का काम अपने फाइनल फेज में चल रहा है। इसके पहले मैंने आपको 19 जून को यहाँ का वीडियो दिखाया था, तब यहाँ पे मेट्रो 3 का कम काम हुआ था और कैनेपी को पूरा बारिश की वजह से कवर किया गया था। देखते हैं अभी क्या स्टेटस है। दोस्तों पिछले कई महीनों से मेट्रो 3 का ट्रायल रन चल रहा था, और अब फाइनल ट्रायल चल रहे हैं, और मुंबई मेट्रो 3 का फेज़ 1 यानी आरए से डीकेसी तक जल्द ही ऐसा बस है कि 1 से 2 महीने में ये शुरू हो जाएगा, जिससे मुंबईकर को ट्रैफिक से राहत होने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों ये सामने आप देख रही है वाकोला जंक्शन है, और ये सामने इसके यहाँ पे जो लेफ्ट टू राइट रोड जा रहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड है, जो कि राइट में सांता क्रूज स्टेशन से और जाता है, और लेफ्ट में वाकोला होते हुए मिलिट्री कैंप तक रोड तक जाता है। इस तरफ राइट में है 500 मीटर के दूर पर ही है सांता क्रूज स्टेशन, और लेफ्ट में वाकोला, और ये सामने वाकोला ब्रिज, और ये सामने ये है अंडरग्राउंड मेट्रो 3 की नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस की कैनोपी स्पॉट ऑन वाकोला जंक्शन। सामने वाले सांता क्रूज स्काई बॉक्स से कनेक्टेड। तो दोस्तों ये वाकोला जंक्शन, और ये नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस, और ये नॉर्थ ईस्ट की लिफ्ट। और ये डावरी नगर, और ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ऊबर भाकोला ब्रिज। दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेशन था, बहुत केयरफुली और बहुत ही ध्यान से बनाया गया है मेट्रो को। टनल ये रोड के नीचे है, जो कि सिर्फ 20 मीटर वाइड एरिया मिला था टनल बनाने के लिए, क्योंकि पास में ही भाकोला फ्लाईओवर का फाउंडेशन है, और ये डावरी नगर एरिया भी पड़ जाता है। तो इन दोनों को संभालते हुए देखते हुए भी इस मेट्रो को बनाना पड़ा। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ TBM और NADM यानी न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, इसके द्वारा इस मेट्रो स्टेशन को बनाया गया है, जहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का काम किया जा रहा है, और यहाँ पे ये पेवमेंट एरिया होगा, वहाँ से वॉक करके आप आगे के कैनोपी को एक्सेस कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म डावरी नगर के नीचे से है, और दूसरा इस रोड के नीचे। और ये वाकोला ब्रिज के नीचे भी ये रोड है, और वहां पे इसके दोनों साइड में ब्यूटिफिकेशन का काम चालू है। तो दोस्तों चलिए चल के देखते हैं अंदर थोड़ा सा। ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट की कैनोपी है एंट्रेंस पॉइंट, थोड़ा सा काम चालू, लेकिन ट्राई करते हैं जाके देखने के लिए। ये कॉन्कोर्स एरिया है, कैसे नीचे आ गया हूँ मैं, और ये एस्केलेटर है।
ये एस्केलेटर का काम चल रहा है यहाँ पे और ये घड़ी बंद है। लेकिन दोस्तों आज डेट है 2 अगस्त और ये टाइम बज रहा भी है, शाम के 6 बज रहे हैं। नीचे की तरफ उनको चाहिए ये कॉन्कोर्स एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ से स्टेयर केस है। नीचे जाओगे तो आपको यहाँ से कॉन्कोर्स एरिया और उसके बाद में आपको नीचे लेवल पे प्लेटफॉर्म। दोस्तों मेट्रो 3 यानी एक्वा लाइन के फेज 1 में RA2 BKC के रूप में 8 कोचेस वाली 9 ब्रेक दौड़ा करेंगी। पहले कई महीनों से इसका ट्रायल रन चल रहा था और अब फाइनल ट्रायल रन भी चल रहे हैं और मुंबई मेट्रो 3 का फेज 1 यानी RA से BKC तक जल्दी ऐसा बस है कि 1 से 2 महीने में ये शुरू हो जाएगा। दोस्तों लगभग 37,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 3 फेज में है। फर्स्ट फेज में RA2 BKC, सेकेंड फेज में BKC से वर्ली और थर्ड फेज में वर्ली से कपरेड। फेज 1 में सीप्स टू BKC में टोटल 8 स्टेशन होंगे। फेज 1 में सीप्स टू BKC टोटल 8 स्टेशन होंगे प्लस एक ग्रेड स्टेशन RA भी होगा और फेज 2 में धारावी से वर्ली 6 स्टेशन होंगे और फेज 3 में वर्ली टू कपरेड में टोटल 11 स्टेशन होंगे। तो ये रहा, देखते हैं अभी इसके बाद चलते आगे अपोजिट साइड में। तो चलिए चल के आपको दिखाता हूँ मैं साउथ ईस्ट वाला कैनोपी और इसके अपोजिट में ही एक है आपको नॉर्थ वेस्ट का एंट्रेंस। ये देखिए मिस्ट गन पॉल्यूशन कम करने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं वाकोला फ्लाईओवर के नीचे हूँ और ये सामने इंसिलरी बिल्डिंग और यहाँ पे ये मिट्टी डाली हुई है, यहाँ पे ग्रीनरी का काम होगा और यहाँ से ये रोड होगा। यहाँ पे मेरे को ब्यूटिफिकेशन कर दिया गया है। सेम वैसा वहाँ पे भी होगा उस तरफ और उस तरफ भी। चलिए आप चलते हैं उस तरफ, आपको वहाँ से मैं आपको यहाँ का अपडेट दूंगा। यह है लाइन 3 के साउथ एंड का एंट्री और एग्जिट एलिवेटर और आगे है कैनोपी विथ एस्केलेटर और स्टेयरकेस। लास्ट टाइम जब आया था तो इसका काम जस्ट स्टार्ट हुआ था। सांता क्रूज का ये मेट्रो 3 ऑपरेशनल हो जाने के बाद से ये आसपास के एरियाज जैसे कलीना, सांता क्रूज रेलवे स्टेशन और वाकोला को बेटर कनेक्टिविटी के साथ इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन का भी फायदा मिलेगा। दोस्तों ये आप जो ऊपर देख रहे हैं ये है अंडर कंस्ट्रक्शन एलिवेटेड 6.45 किलोमीटर लॉन्ग SCLR यानी सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड फ्लाईओवर।
ये यहाँ सांता क्रूज वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को चेंबूर में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट होगा। इसका काम भी लगभग फुल स्विंग में चल रहा है। इस पे मुंबई का फर्स्ट और इंडिया का सेकंड डबल डेकर फ्लाईओवर है। और ये इस तरफ है मेट्रो 3 का थर्ड यानी साउथ वेस्ट साइड वाला सबवे एंट्रेंस। ये कैनोपी विथ एस्केलेटर और स्टेयरकेस और ये लिफ्ट और आगे है और इसके थोड़ा सा आगे ही है फोर्थ एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट साइड वाली। तो दोस्तों ये थी साउथ वेस्ट की कैनोपी और इसके पास में लिफ्ट। अब चलिए चलते आपको नॉर्थ वेस्ट की कैनोपी आपको दिखाने के लिए जो कि सामने है। तो दोस्तों ये है वाकोला जंक्शन और ये आप देख सकते हैं ये सांता क्रूज स्काई वॉक। यहाँ से लेफ्ट में सांता क्रूज लगभग 600 मीटर में है डिस्टेंस में। यहाँ पे एक बार ये पूरी तरह से रेडी हो जाने के बाद मेट्रो सांता क्रूज वाकोला ये सब एरिया को ये कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और साथ में ये ट्रैफिक को भी कम करेगा। और ये मेरे तरफ पीछे की तरफ है ये साउथ वेस्ट की कैनोपी। ये साउथ वेस्ट का एंट्रेंस ये रेजेंसी होटल के एकदम पास में ये मैरीगोल्ड हॉल भी है। अभी तो ये पूरा बंद किया हुआ है ये। तो दोस्तों ये था सांता क्रूज मेट्रो 3 यानी कि एक्वा लाइन जो कि मुंबई की फुल्ली अंडरग्राउंड मेट्रो होगी। इसका आपको लेटेस्ट अपडेट यहाँ से सांता क्रूज मेट्रो स्टेशन मिला। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।